अहम आज का दिन है। एक तरफ तो विभागों का बंटवारा है तो दूसरी तरफ जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है जिसकी शुरुआत होने वाली है। आज से लेकर 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेशों के डीजीपी आरआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। और ये देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह जब स्टेट एंकर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा वहां पर मौजूद थे उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और ये सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने किया है और ये बुके भेंट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को। और ये दो प्रमुख चेहरे और ये गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जब उस समय की तस्वीरें हैं, बुके भेंट किया मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने, वो तस्वीर भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। स्टेट हैंगर पर जब गृह मंत्री अमित शाह का विमान उतरा था और उसके बाद जब रवाना हुआ था काफिला गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी आपने देखा था। और सीधे आरआईसी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, वहां से एनएसए भी उनके साथ मौजूद थे, पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो सीएस सुधांश पंत आप देख रहे हैं, हाल ही में उनको रिलीव किया गया, सीएस प्रदेश का बनाया गया, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौतियां जिनको पार करते हैं, उनको प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना है, सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है। ये देखिए तस्वीरें, बुके भेंट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को और ये दो मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। आज जयपुर में बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें अहम चर्चा भी रहने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर के लिए, सुरक्षा का जो खाका तैयार होगा उसकी तैयारी किस तरीके से है, कैसे नवाचार किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर मंथन और चिंतन, महामंथन इसे कहा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, जब गृह मंत्री अमित शाह स्टेट हैंगर पहुंचे थे उस समय सीएस मौजूद थे और मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने गृह मंत्री को रिसीव किया था। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी भी थी, सांसद रामचरण बोरा भी थे, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी थे। और ये फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह का जब स्वागत किया तो उस दौरान की तस्वीरें, अभिवादन स्वीकार किया गया गृह मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री का। और फिर जब आरआईसी के लिए रवाना गृह मंत्री हो गए तो उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला भी उसके चंद मिनटों के बाद आरआईसी के लिए रवाना हो गया। और क्योंकि 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी होनी है और जिस तरीके से जानकारी हमें मिली है और जानकारी आपको हमने दी है कि 2:30 बजे करीब इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद 3 बजे करीब लंच है, 4 बजे तक आप मानिए कि 4 बजे तक पहले सेशन की शुरुआत हो जाएगी। और जो पहला सेशन जो गया सहयोगी की तरफ से वो सोशल मीडिया पर होगा। सोशल मीडिया के जरिए आजकल आप देख रहे होंगे कितने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, अलग अलग इस तरीके से सेशन होने वाले हैं, उन सेशन में अलग अलग तरीके से चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों के जो डीजीपी पहुंचे हुए हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी भी है वो भी पहुंचे हैं, एनएसए मौजूद है। ये बड़ी बात है कि एक तरीके से आप समझिए कि एक बड़ी शख्सियत जयपुर में आज मौजूद है और प्रधानमंत्री भी शाम 5 बजे करीब पहुंच जाएंगे बीजेपी मुख्यालय, वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब गृह मंत्री पहुंचे स्टेट हैंगर, उस समय की तस्वीरें हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरीके से रिसीव किया गया गृह मंत्री अमित शाह को। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। ऐश्वर्य, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन स्टेट हैंगर पर हुआ, उस समय की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने रिसीव किया है, आरआईसी सीधे वहां से रवाना हुए। अब क्योंकि यह मानकर चले कि 2:30 बजने को है कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उद्घाटन के साथ, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिसीव किया, इन्होंने स्वागत किया और चूंकि बतौर मुख्यमंत्री अब उन्होंने यहाँ पर जब स्वागत किया शपथ लेने के बाद तो दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट इस फोटो में देखी जा सकती है। क्योंकि मुझे इस फोटो के साथ एक दृश्य याद आ जाता है कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल सांगनेर से चुनाव लड़ रहे थे और जयपुर के एक निजी होटल में अचानक से उस वक्त गए थे जब किरोड़ीलाल मीणा के यहाँ पर सवाई माधोपुर में अमित शाह को पहुंचना था एक रोड शो के मद्देनजर और रोड शो में वो पहुंच नहीं पाए। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जब अचानक से भजनलाल शर्मा को बुलाया गया अमित शाह की तरफ से जी। तो अमित शाह बड़े आश्वस्त थे और ये कहा कि आप अच्छे वोटों से जीत रहे हो और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी भजनलाल के प्रति बड़ी सकारात्मक थी। उस वक्त लोगों को लगा कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो आगामी दिनों में मिल सकती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये बेहद अहम ऐश्वर्य क्योंकि एक तरफ तो गृह मंत्री की मौजूदगी यहाँ पर जयपुर में और दूसरी तरफ विभागों के बंटवारे की भी खबर। देखिए विभागों के बंटवारों को लेकर अभी सूत्रों के हवाले से खबर लगातार आ रही है क्योंकि राजभवन में जब फाइल अनुमोदित की जाती है और जब अनुमोदन किया गया राजभवन से तो उसके बाद क्योंकि कई आंखों से होकर वो फाइल गुजरती है तो उन आंखों में से
जब विभाग जैसे जैसे लोगों को याद हुए वैसे वैसे चर्चाओं में अचानक से निकल पड़े हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिन्होंने गृह मंत्री को रिसीव किया। अब आप ये मानकर चलिए आपसे थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है, उद्घाटन क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ही करेंगे, साथ में एनएसए मौजूद हैं। और आपको ये बता दें कि 2014 से पहले अलग अलग जगहों पर इस तरीके से कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती थी डीजीपी आईजी की, लेकिन 2014 के बाद दिलचस्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और उसके बाद अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि ऐसे कॉन्फ्रेंस होने लग गई। और ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रहती है सुरक्षा के लिए क्योंकि आगे आपको नवाचार भी करने हैं क्योंकि अपराध भी अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर जिस तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर पूर्वोत्तर की बात करें एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, एक बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का क्योंकि हिंसा जिस तरीके से वहां पर कई बार देखी गई, उसके बाद एक खाका तैयार करना है कि उसको कैसे रोका जाए, कैसे लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना है।